अब आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 12 बजे किसानों की मीटिंग, आगे की रणनीति पर मंथन होगा। थोड़ी देर में सिंघू बॉर्डर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। किसानों के लिए इंतजाम जो किए गए हैं इसका जायजा लेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों का ऐलान, कानून वापस लेने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसान आंदोलन के चलते सिंघू गाजीपुर और चंदी बॉर्डर बंद, टिकरी प्याऊ मनियार बॉर्डर भी बंद। कृषि कानून के खिलाफ कल किसानों का भारत बंद, सुबह से शाम तक पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। कांग्रेस समेत 8 पार्टियों ने बंद का समर्थन किया, कांग्रेस टीएमसी आरजेडी शामिल। भारत बंद का मायावती ने भी समर्थन किया, सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की। किसान आंदोलन को हेमंत सोरेन का भी साथ, कहा कि केंद्र की साजिश के खिलाफ झारखंड में भी होगा प्रदर्शन। भारत बंद को 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन का समर्थन, 10 ट्रेड यूनियन का भी साथ। भारत बंद के समर्थन में उतरा ऑटो टैक्सी संघ, कल के भारत बंद में होंगे शामिल। भारत बंद के दौरान दूध फल सब्जी पर रहेगी रोक, इमरजेंसी सर्विसेज शादियों पर रोक नहीं। देश की इकॉनमी के लिए ठीक नहीं भारत बंद, एक दिन में 25,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। सरकार किसानों में 9 दिसंबर को फिर से बातचीत, 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे छठे दौर की बैठक। भारत बंद से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं। चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा लिंक रोड बंद किया गया, NH-24 से गाजियाबाद से दिल्ली आने पर रोक। कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, किसानों के समर्थन में धरना देने की तैयारी। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने की तैयारी, अखिलेश यादव के घर के आसपास का इलाका सील। अखिलेश की भारी संख्या में किसान यात्रा में शामिल होने की लोगों से अपील, कहा ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाई जाए। कृषि कानून पर शरद पवार का यूटर्न, कृषि मंत्री रहते एपीएमसी एक्ट में की थी बदलाव की कोशिश, 2010 में शीला दीक्षित को लिखा पत्र। बीजेपी नेता राम कदम ने शरद पवार का ट्वीट किया लेटर, कहा उस वक्त निजीकरण के पक्ष में थे पवार तो अब एतराज क्यों। किसानों के मुद्दे पर 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलेंगे शरद पवार, कहा किसानों के साथ खड़ी है एनसीपी। किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर, आज 30 खिलाड़ी वापस कर सकते हैं अपना सम्मान। किसानों के समर्थन में अभिनेत्री परिणीती चोपड़ा, कहा कि अगर आपने खाना खाया है तो किसानों का शुक्रिया करें। कृषि कानून के खिलाफ लंदन में भी भारी विरोध प्रदर्शन, कई लोग गिरफ्तार किए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।